ये सारी पार्टियां ब्राह्मण कार्ड खेल रही हैं, सारी पार्टियां ब्राह्मण कार्ड खेल रही हैं। देखिए ब्राह्मण कार्ड नहीं खेला जा रहा, खेला जा रहा। ये सही है कि मोदी जी के टाइम में भाजपा जो ब्राह्मणों के बलबूते पर जैसी सरकार बनती थी, आजकल उसकी सोच बदल गई है और ब्राह्मण जो है उसका सम्मान कम किया गया, उसके खिलाफ तमाम प्रकार के अभियान चलाए गए और अभियान चलाकर उन्हें प्रताड़ित किया गया। जितने इनकाउंटर हुए हैं उसमें अगर आप देख लेंगे तो ब्राह्मण और यादव और मुस्लिम बड़ी संख्या में इनका इनकाउंटर किया गया। इनकाउंटर तब किया जाता है जब सामने सामने मुठभेड़ पकड़ के कहीं इनकाउंटर होता है। इंदिरा गांधी को मारा था लोगों ने और घटनास्थल पर पकड़े गए, क्या उनका इनकाउंटर हुआ था? क्या महात्मा गांधी को, महात्मा गांधी से बड़ा नेता हमारा देश का, महात्मा गांधी को नाथूराम ने गोली मारी वही खड़ा रहा, क्या उसे पकड़ के गोली मार दी गई? उसका ट्रायल हुआ। तो यह सरकार कानून सम्मत ढंग से खुद ही नहीं काम करा तो कानून व्यवस्था ठीक कैसे रहे? खुद तो कानून सम्मत काम करे और उसमें ब्राह्मण जो नाराज है और वो इसलिए इनको खलबली मच गई है कि ब्राह्मण ने अपना गुस्सा थोड़ा थोड़ा प्रकट करना शुरू कर दिया है। इस नाते इनको हैरानी है, कुछ नौजवान ब्राह्मण है जो परशुराम जी की लंबी मूर्ति लगाना चाहते हैं। मुलायम सिंह ने ब्राह्मणों के आग्रह पर परशुराम जयंती पर छुट्टी कर दी थी, मायावती ने उसको खत्म कर दिया था, फिर आए वो तो फिर हो गया था, इन्होंने उसको भी खत्म कर दिया। तो ब्राह्मणों को लगा कि हमारे आराध्य देव के प्रति इनके मन में सम्मान नहीं है, इसलिए उनके मन में एक गुस्सा है। अब ये गाय का समस्या है,